नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह से 3 जगह सड़क हादसे हुए। 3 जगहों पर 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गयी, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पहला हादसा कोटेल ओवरब्रिज के पास हुआ है, जिसमें 15 से 16 गाड़ियां आसपास में भिड़ गयी। ट्रक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। हादसे में लोग घायल हुए हैं। अचानक हुए हादसे से पुलिस महकमे और वाहन चालकों के अफरा तफरी मच गई है। हादसे के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों के कारण हाईवे पर जाम भी लग गया। हादसे के दौरान घायलों की चीख पुकार दूर तक सुनाई दे रही थी। धुंध के कारण हुए इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की 2 बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, जिसमें कुछ सवारियों को चोट लगने की सूचना है। इसके अलावा एक डस्टर कार हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे जा घुसी, जिसमें सवार लोग घायल हो गए। दुर्घटना के कारण हाईवे पर इधर उधर खिलौने की तरह वाहन बिखरे हुए पड़े हैं। वहीं दूसरा हादसा मधुबन के पास हुआ है, जहां पर 10-12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया और घायलों के परिजनों को सूचित किया गया। इसके बाद परिजन अस्पताल में पहुंच गए, जबकि तीसरा हादसा करनाल टोल के पास हुआ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।